हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। और आज हम जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है सिम्यूलिंग। ये एक इंग्लिश लिटरेचर का एक पार्ट है, ये एक डिवाइस में से एक है, और देखते हैं कि इस डिवाइस का यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसका यूज़ करते ही क्यों है। इसका सिंपल सा पर्पज़ है, वो है किसी भी पोएम को ब्यूटीफाई करना, उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देना। तो हम देखते हैं कि यहाँ तक कि जो सॉन्ग्स होते हैं बॉलीवुड के हों चाहे हॉलीवुड के हों, उनके अंदर भी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है ताकि जो उस गाने की जो ब्यूटी है वो इंक्रीज हो जाए। जैसे आपने वो गाना भी सुना होगा कि चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन। अब यहाँ पर इसका मतलब चांद से ही क्यों इसको कंपेयर किया गया है? तो जैसा कि जानते हैं कि सिमिली का मतलब क्या था, पोएट्री ऑफ कंपेरिजन, वैन यू कंपेयर समथिंग, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। सो चांद सा रोशन चेहरा, मैं यहाँ पर कंपेरिजन कर रहा हूँ कि किसी का चेहरा जो है किसके जैसा है, चांद सा, किसी के जैसा। तो ये कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो डिवाइस हो गई वो सिमिली डिवाइस है, इससे कि जो गाना है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सिंपल अगर मैं ब्यूटी को डिनोट करना चाहूँ तो हो सकता है कि ब्यूटी को इतने अच्छे से ना एक्सप्रेस कर पाऊँ, लेकिन चांद से जैसे ही मैंने कंपैरिजन किया जो ब्यूटी है वो काफ़ी परसेंट तक इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरह से ये सिमिलीज का जो है ये एक पॉइंट है। और इसके बाद अगर बात करें सेकेंड पार्ट में, हम देखते हैं यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू सिमिली दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ सिमिली, टाइप्स ऑफ सिमिली, एग्जांपल्स ऑफ सिमिली इन पोएट्री, टिप्स फॉर यूजिंग सिमिली इन योर ओन राइटिंग एंड कंक्लूजन। अब जब हम बात करते हैं कि सिमिली ये तो कहाँ से आया हुआ है, तो आपको बता दूँ कि लेटिन लैंग्वेज से ये वर्ड आया हुआ है, और जो वर्ड आया है वो है सिमिलिस। सिमिलिस, सिमिलिस मीनिंग, इसका मीनिंग जो है वो है सिमिलर, यानी ऐसा कुछ यूज़ करना जिसमें आपको सिमिलरिटी शो करनी हो, या फिर आप लाइक कह सकते हैं किसी के जैसा। तो इस तरह से इसका जो है स्टार्टिंग हुई, यहाँ से लेटिन लैंग्वेज से लिया गया। और इसका जो प्रोनंसिएशन है राइट, वो है नॉट सिमिली, इट्स सिम यू ली, सो इट्स सिम्यूली, नॉट सिमिली, सिम्यूली, सो दिस इज द प्रोनंसिएशन। अब अगर इसके पॉइंट्स देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सिमिली के इंट्रोडक्शन में इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसे जैसे इसका फर्स्ट पेज आ रहा था, इंट्रोडक्शन टू सिमिली, सिमिली इज अ पोएटिक डिवाइस दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। हमें सबको मालूम है कि इसमें लाइक और एज वर्ड अगर दिया हुआ है तो किसी के जैसा, सा, जैसे भी बताया था चांद सा, तो इसका मतलब लाइक किसके जैसी सिमिलैरिटी है, चांद जैसी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिमिली डिवाइस है। तो और क्या होता है, टू डिफरेंट थिंग्स, इसमें दो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें होंगी। कहाँ पर मैं बात कर रहा था लड़की की ब्यूटी की, और दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ मून की, चांद की। तो चांद और ब्यूटी में यहाँ पे, यानी किसी लड़की की ब्यूटी की बात हो रही है, लड़की का फेस, और दूसरी तरफ है मून, दोनों में देखें तो दूर दूर तक कोई सिमिलरिटी नहीं है, दोनों ही टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। लेकिन विथ समथिंग शुड बी सिमिलर, लेकिन दोनों में कुछ तो सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर क्या है, मून के अंदर और किसी लड़की के फेस के अंदर सिमिलरिटी जो है वो है उसका चार्म, वो उसकी ब्यूटी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इस ब्यूटी की जगह मुझे फेस यूज़ कर लूँ तो ज़्यादा चलेगा। तो लड़की के फेस में और मून में कुछ कॉमन है तो वो है चार्म, उसकी ब्यूटी। तो दो बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग्स के बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, है ना। इट अलाउज पोइट्स टू क्रिएट विविड एंड इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन दैट हेल्प रीडर्स बेटर अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद द सब्जेक्ट मैटर। इसका फायदा क्या है, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो जैसे कि जो रीडर्स को अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती हो। मैं अगर किसी को ब्यूटीफाई कर रहा हूँ, किसी की सुंदरता की तारीफ कर रहा हूँ, तो रीडर्स को क्या पता कि कितना सुंदर है। लेकिन जैसे ही मैंने चांद के साथ कंपैरिजन किया तो रीडर्स को एक व्यू आ जाता है, ये बिल्कुल डिस्क्रिप्शन हो जाता है, इमेजिनेशन उसके अंदर बन जाती है कि बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा ही सुंदर है क्योंकि चांद के साथ कंपैरिजन हुआ। फॉर एग्जांपल इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ रॉक बाय टी एस इलियट, द स्पीकर कंपेयर्स हिज लाइफ टू अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। उन्होंने अपनी जो स्पीकर है उन्होंने अपनी लाइफ को कंपेयर किया कि एक ऐसा पेशेंट जो टेबल के ऊपर पड़ा है एथराइज में सुन, जिसको पैरालिसिस हो जाए, यूजिंग सिमिली, सिमिली उसका यूज़ किया उसने। दिस कंपेरिजन हेल्प्स रीडर्स विजुलाइज द स्पीकर सेंस ऑफ पैरालाइजेस एंड एनुई। इससे जो स्पीकर का जो पैरालाइसिस स्टेट है या जिसको एनुई जो कहते हैं, कान की कंडीशन है, वो इससे क्लियर होती है। तो इस तरह से ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं, फंक्शन ऑफ सिमिली, इसका फंक्शंस क्या है, किस तरह से काम करती है। सिमिली सर्व सेवरल फंक्शंस इन पोएट्री, कई तरह के ये फंक्शंस काम करती है पोएट्री के अंदर। फर्स्ट, इट कैन हेल्प पोएट्स कन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड आइडियाज इन अ मोर एसेसिबल वे। एक कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो होते हैं जिसको समझने में रीडर्स को प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत ही एसेसिबल वे में एक्सप्रेस करते हैं कि जो रीडर्स आसानी से उसको एक्सेस कर सके, उसको समझ सके। इस तरह से बाय कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर, इसमें दो चीज़ों को, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, पोएट्स कैन क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन द कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। एक कॉन्क्रीट आइडिया होता है जो फैक्ट्स है, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो हवा के अंदर है, यानी जिसको आप टच नहीं कर सकते, है ना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है। अगर ब्यूटी कोई ऐसी चीज़ है, जो मानता हूँ कि लड़की के अंदर ब्यूटी है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है,
तो इसको नहीं अपने टच कर सकते या इसको मेजर कर सकते, लेकिन मून के साथ जब मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ तो ये एक ब्रिज बन गया दोनों के बीच में, मेकिंग देयर वर्क मोर रिलेटेबल टू रीडर्स, जिससे जो रीडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगे, वो अंडरस्टैंडिंग लगे। सेकंड, सिमिली कैन ऐड डेप्थ एंड न्यूएंस टू अ पोएम्स इमेजरी। डेप्थ काफ़ी ज़्यादा गहराई इसके अंदर ऐड हो सकती है, और न्यूएंस मीन्स होता है बहुत ही बारीक अति सूक्ष्म डिफरेंस, अंतर, वो जो है क्लियर हो जाता है। बाय चूजिंग केयरफुली व्हाट दे कंपेयर पोइट्स कैन क्रिएट सरप्राइजिंग एंड थॉट्स प्रोवोकिंग कनेक्शंस। अगर पोइट बड़े ध्यान से अगर सिमिलीज को यूज करते हैं तो वो थॉट प्रोवोकिंग कनेक्शन जो है सरप्राइजिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, एंड डीपन रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और जो भी टेक्स्ट वो पढ़ रहा है रीडर की, उसमें एक डीप काफ़ी डेप्थ वाली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अब जो नेक्स्ट पेज है वो कहता है कि टाइप्स ऑफ सिमिलीज क्या है, किस किस तरह की होती है ये। हमने तो नॉर्मल सिमिली पढ़ा है, लेकिन इसके टाइप्स भी होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिमिली दैट पोएट्स कैन यूज टू अचीव डिफरेंट इफेक्ट्स। अलग अलग इफेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकता है। अ सिंपल सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स डायरेक्टली यूजिंग लाइक और एज। हम जो सिमिली यूज करते हैं जो अप टू 12th स्टैंडर्ड, वो नॉर्मल सिमिली होती है जिसमें दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। व्हाइल अ मेटाफोरिकल सिमिली यूजेस अ मोर इनडायरेक्ट कंपैरिजन टू क्रिएट अ डीपर कनेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। एक होती है मेटाफोरिकल सिमिली। अब जब मेटाफर पढ़ते हैं तो मानते हैं, जानते हैं कि मेटाफर भी एक तरह का कंपैरिजन ही होता है, लेकिन यहाँ पर जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है तब वो मेटाफोरिकल सिमिली हो जाता है। फिर हाइपरबोलिक सिमिली, जिसमें हाइपरबोल यूज किया हो, एग्जैग्रेट्स द कंपैरिजन फॉर कॉमेडिक और ड्रामेटिक इफेक्ट। अगर आपको उसे कॉमेडिक और ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना है तो हाइपरबोलिक सिमिली यूज करनी होगी। व्हाइल एन आयरनिक सिमिली, एक फोर्थ टाइप जो है वो आयरनिक सिमिली है, क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड एंड द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। कि क्या तो कंपेयर किया जा रहा है और वास्तव में रियलिटी कुछ और ही है। तो जब ऐसा होता है कि आंख का अंधा और नाम नैनसुख, तो वो आयरनी है। तो इस तरह से जो सिमिली भी बनती है तो वो आयरनिक सिमिली हो गई। सो फाइनली अ मिक्स्ड सिमिली कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलीज टू क्रिएट अ यूनिक एंड मेमोरेबल इमेज। तो जब कई तरह के अलग अलग टाइप की सिमिलीज को जब मिक्स यूज करते हैं तो वो बन जाता है मिक्स्ड सिमिली। तो इस तरह से ये जो इसके सिमिली के अलग अलग टाइप्स हैं। नेक्स्ट पेज जब आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली इन पोइट्री। पोइट्री के अंदर कौन कौन से ऐसे फेमस कोई एग्जाम्पल्स यूज किए गए हैं आज तक, तो हम देखते हैं कि सिमिली हैज़ बीन यूज्ड बाय पोइट्स थ्रू आउट हिस्ट्री टू क्रिएट पावरफुल एंड इवोकेटिव इमेजरी। तो इमेजरी क्रिएट करने के लिए आज तक यूज होता आ रहा है। इन विलियम शेक्सपियर सोनेट 18 द स्पीकर कंपेयर्स हिज लवर टू अ समर्स डे। इसमें जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने लवर को समर डे के साथ कंपेयर करते हैं, यूजिंग सिमिली टू एम्फेसाइज हर ब्यूटी एंड ग्रेस। क्यों? क्योंकि समर का जो दिन होता है काफ़ी ब्राइट होता है, सब कुछ अच्छा होता है, नेचर भी खिली खिली रहती है, तो उससे उसकी जो बीलव्ड है, जो लवर है, उसकी ब्यूटी एंड ग्रेस को उसने जो है शो किया है, अच्छे से एक्सप्रेस किया है। एंड देन सेकंड एग्जाम्पल इन लैंगस्टन ह्यूज पोएम हेलम द स्पीकर कंपेयर्स अ डेफर्ड ड्रीम। डेफर्ड मतलब होता है जो पूरा नहीं हुआ या निलंबित जिसको कहते हैं, एक ऐसा ड्रीम टू अ रेजिन ड्राइंग अप इन द सन। एक ऐसी कोई रेजिन, कोई जिसको किशमिश भी कहते हैं, सूरज के अंदर सूख रही हो, उससे कंपेयर करके अपनी पोएम को, अपने व्यूज को उसने एक्सप्रेस किया, यूजिंग सिमिली टू हाईलाइट द फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट फेल्ट बाय मेनी अफ्रीकन अमेरिकन ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। तो अफ्रीकन अमेरिकन की जो फ्रस्ट्रेशन थी, जिस तरह से वो डिसअपॉइंट हो रहे थे कि वेट करते जा रहे हैं और वो धूप के अंदर सूखते चले जा रहे हैं जैसे किशमिश सूखती है, इस तरह से उनके जो जो कंडीशन थी उसको एक्सप्रेस किया गया। तो इस तरह से सिमिली का यूज किया गया। नेक्स्ट पेज पे जब आते हैं तो देखते हैं कि टिप्स फॉर यूजिंग सिमिली इन योर ओन राइटिंग। अगर आप एक पोएट हैं, अगर वास्तव में आप भी इसका इफेक्टिव यूज करना चाहते हो तो कौन सी टिप्स का आपको ध्यान रखना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इनकॉर्पोरेटिंग सिमिली इनटू योर ओन राइटिंग, अपनी राइटिंग में अगर इसको यूज करना चाह रहे हैं, देयर आर सेवरल टिप्स टू कीप इन माइंड। तो आपको कई सारी बातें जो आपको दिमाग में रखनी है। फर्स्ट, चूज कंपैरिजन दैट आर अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग। अब कहाँ किसी लड़की का चेहरा और कहाँ चांद, कोई सोच भी नहीं सकता, कंपैरिजन बनता भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग एलिमेंट्स यूज करने हैं, एज दिस विल मेक योर वर्क स्टैंड आउट एंड बी मोर मेमोरेबल। क्योंकि आपका जो वर्क होगा वो स्टैंड आउट, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, और ज़्यादा टाइम तो लोगों को मेमोरेबल लगेगा, याद रहेगा। सेकेंड, द माइंडफुल ऑफ द टोन एंड मूड यू वॉन्ट टू क्रिएट। जो मूड आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जैसा आपका मूड है वो आपके टोन के अंदर आपको होना चाहिए, आपको उस बात का खास माइंडफुल ध्यान रखना होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिली विल हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन योर रीडर्स, सो कंसीडर व्हाट यू वांट देम टू फील बिफोर सिलेक्टिंग अ कंपैरिजन। आप क्या चाहते हो कि आपके रीडर्स आपकी पोएम पढ़कर कैसा फील करें, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सेंसिबल सिमिली का यूज करना है। एंड लास्ट जो पेज हमारा आ जाता है कंक्लूजन, जो हमारा निष्कर्ष पहुंचते हैं, जिस पर रिजल्ट पहुंचते हैं, वो क्या है। सिमिली इज अ पावरफुल टूल फॉर पोएट्स एंड राइटर्स अलाइक, दोनों के लिए। ये पोएट्री के अंदर भी यूज होती है, राइटर्स के लिए भी यूज हो सकती है, यानी चैप्टर्स के अंदर भी आती है, तो एक पोएट्रिक डिवाइस भी है और लिटरेरी डिवाइस भी है। अलाउिंग दैम टू क्रिएट विविड एंड इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन दैट डीपन रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्स अराउंड दैम।
जिससे कि रीडर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके आसपास का जो वर्ल्ड है, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग उनमें जनरेट हो जाती है। सो बाय फॉलोइंग दीज टिप्स एंड स्टडिंग एग्जांपल्स फ्रॉम ग्रेट पोएट्स ऑफ द पास्ट, एनीवन कैन लर्न टू इनकॉर्पोरेट सिमिली इनटू देयर ओन राइटिंग एंड टेक देयर वर्क टू न्यू हाइट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन। तो अगर आप एक न्यू हाइट पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको जो पुराने पास्ट के राइटर्स हैं उनके वर्क्स भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप भी 100% इसका यूज़ करना सीख जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा था जो एक डिवाइस, जो कि पोएटिक डिवाइस है, जिसका नेम है सिम्यूली। तो इसके साथ अपने एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सामने एक एग्जांपल है, ये सिमुली है, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। आपको पता है कि दो का यूज करते हैं। हियर आर टू थिंग्स दैट कैन बी कंपेयर्ड, यहाँ जैसे दो एग्जांपल यूज किए हुए हैं। अ गर्ल शी हैज ब्लू आईज ब्लॉन्ड हेयर ब्राइट स्माइल, यानी आंखें नीली है, ब्लॉन्ड हेयर, ये ब्राउन बाल दिख रहे हैं, ब्राइट इसकी स्माइल है। तो ये तीनों ही क्वालिटीज जो है, यानी कंपेयर जब करना है, तो जैसा हमने कहा कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कहाँ एक लड़की और कहाँ एक सूरज, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कुछ तो कॉमन होना चाहिए। वो कॉमन क्या है? राउंड, येलो, ब्राइट, ये कुछ क्वालिटीज हैं जो कॉमन है। तो जब दोनों ही चीज़ों में हम एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे यूज़ द मैचिंग एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव हो रहे हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको आपस में यूज़ करना है। जैसे ब्राइट है, तो आपको एज और लाइक से इनको यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि उसकी स्माइल इतनी ब्राइट है जैसे कि सूरज की है। तो यहाँ इज ब्राइट लाइक द सन, तो लाइक वर्ड आते ही मुझे पता लग गया कि यहाँ पर जो है कौन सी डिवाइस है हमारे पास, यहाँ पर है सिम्यूली। तो जैसे उसकी स्माइल जो है ब्राइट, किसके जैसी ब्राइट है? सूरज जैसी ब्राइट है। तो इस तरह से जब हम राइटिंग यूज़ करते हैं, तो वो काफ़ी इंप्रेसिव लगती है, काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाती है। जो पोइट्री की जो पोएम हमारी होती है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।